आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा से करवाना चाहते हैं, जो पिछले दिनों यहाँ पे एक टूर पे आई हुई थी उनका एक ग्रुप के साथ, और बहुत शानदार शोज उनके यहाँ रहे। वैंकूवर में उनके शोज के बाद हम उन्हें स्टूडियोज में खींच लाए हैं। माला जी, हमारे स्टूडियोज में आपका बहुत स्वागत है। आपके शोज बहुत प्यारे रहे, कहिए कैसा लगा आपको वैंकूवर में शो करना? यहाँ का शो सक्सेसफुल रहा और ये मेरा पहला ट्रिप है एज ए सिंगर एब्रॉड में। वैसे मैं एब्रॉड जा चुकी हूँ शूटिंग करने के लिए जी, वैसे अपना शॉपिंग वॉपिंग घूमने घामने के लिए, पर ये गाने का टूर के साथ ये पहला है मेरा कनाडा टूर। यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे काफ़ी उत्साह मिली, हौसला अफजाई की इन लोगों ने। इन लोगों का प्यार मोहब्बत मुझे ऐसा लगता है फिर से मुझे खींच लाएगी वैंकूवर। वो तो हम उम्मीद ही कर रहे थे कि आप ज़रूर आएंगे। माला जी, फिल्मी दुनिया में आप बहुत वर्षों से हैं, उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। सुना है कि आप एक्ट्रेस बनने से पहले गीत गाने में ज़्यादा शौक रखती थी, एक्ट्रेस बनने का ख्याल तो बाद में आया? ये सही बात है, गाने का शौक मुझे बचपन से ही रहा और वैसे ही मुझे गिफ्टेड था, दानी था भगवान की तरफ से गाने का, तो गाती भी रही, सीखती भी रही और वहाँ मैं रेडियो से भी गाती थी। ये कहाँ की बात है? ये कलकत्ते की बात है। अच्छा। हाँ, क्यों, मैं पैदाइश में ही की हूँ कलकत्ते की, तो एक्ट्रेस तो बाय चांस मैं बन गई, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बताइए किस तरह, कोई किस्सा होगा उसके पीछे? ये भी इत्तेफाक की बात है, मेरे पापा के एक दोस्त जो कि फिल्म बनाया करते थे, प्रोड्यूसर थे, वो एक मुस्लिम सोशल पिक्चर बना रहे थे जिसका नाम रोशन आरा, उसमें हीरोइन का बचपना करना था, चाइल्ड सीक्वेंस। तो बहुत सारे लड़कियां ढूंढे पर उनको कहीं मिला नहीं, तो उन्होंने कहा अरे घर में तो अपनी लड़की है। अच्छा। बेबी को क्यों ना काम कराए, क्योंकि घर में मुझे सब बेबी कहते हैं। अच्छा, अच्छा। फिल्मी नाम मेरा माला है। तो बाबा ने कहा ठीक है भाई, हमारी बेटी को देख ले स्क्रीन पर कैसे लगती है, और वो खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए वो पिक्चर चल पड़ी। अच्छा। उसके बाद ये हमारी लाइन तो ऐसा ना चलती का नाम गाड़ी, बिल्कुल ठीक पिक्चर चल गई तो चलो भाई ये लकी स्टार है, इसको ले लो। इस तरह से मैं फिल्मों में आई। अब तक कितनी फिल्में बनाई होंगी आपने रफली? 100 हो गई। तो जब भारत से चलने से पहले, जब मैंने शुरू की करियर तब आप अंदाजा लगाइए 12-13 साल की थी, ठीक है, तो आज तक 100 फिल्म तो बन गई। भारत से जब आप बाहर आई थी तो लास्ट फिल्म कौन सी में काम करके आई थी आप? लास्ट में अभी मेरी पिक्चर है कर्मयोगी, धन दौलत, और एक पिक्चर मिस्टर रघुनाथ झलानी बना रहे हैं संजीव कुमार को लेकर, मुझे लेकर, नाम अभी तक रखा नहीं, और लास्ट में कंप्लीट करके आई और रिलीज भी हो गई। एक है जिंदगी और दूसरी दो लड़कियां। जिंदगी वही जिसमें संजीव कुमार के साथ और जिंदगी और लड़कियां भी, दो लड़कियां। अच्छा। उसमें भी संजीव कुमार ही हैं दोनों। तो किस तरह के रोल आपको, आपके वैसे रोल हमेशा देखे गए हैं कि सोबर किस्म के रोल आपने किए हैं, कभी कोई कैबरे टाइप या बहुत शोख रोल आपने ज़्यादा नहीं किए हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं किए, तो क्या आपको पसंद हैं इस तरह के रोल? देखिए मुझे हर तरह के रोल पसंद हैं। आर्टिस्ट तो वही माना जाता है जो कि हर एक रोल को, हर तरह के रोल को सक्सेसफुली और कामयाबी के साथ कर जाए। तो मैं कभी टाइप्ड होना नहीं चाहती थी। मैंने देखी कॉमेडी रोल भी किए हैं, इमोशनल भी किए हैं, ड्रामेटिक भी किए हैं, पर वो जो आप कह रही ना बहुत ग्लैमरस, तो ग्लैमरस रोल में खास कर करने का कुछ रहता नहीं। ठीक। सिर्फ आप उसको पब्लिक को आप अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स दिखा सकते हैं, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल दिखा सकते हैं, और अभिनय नहीं रहता है। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि जिसमें अभिनय करने का मौका मिले ऐसे रोल क्यों ना लूँ। इसलिए आपने मुझे आज तक इमोशनल ड्रामेटिक रोल्स में देखते आए। अगर कॉमेडी आप देखना चाहें तो हिमालय की गोद में देख लीजिए, बेवकूफ़ देख लीजिए, वो भी मैंने किए हैं। आपने फिल्म बीआर चोपड़ा साहब की शायद फिल्म थी गुमराह में काम किया था। जी हाँ। उसकी कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की कहानी थी और उसमें जो हीरोइन है उसका रोल भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके का था। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपने वो कहानी एक्सेप्ट की आपको जरा थोड़ा सा ये फिक्र नहीं हुआ कि हीरोइन हमेशा अच्छी होती है? हमारी फिल्मों में हीरोइन हमेशा अच्छी होती है या हीरो भी हमेशा अच्छा होता है, लेकिन उसमें वो जरा लीक से हट कर थी। हमारे ज़माने तक तो हम सोचते थे कि अगर हम जिस्म दिखाएं और गलत डायलॉग भी अगर बोल जाए वैम्पिस टाइप का तो वो हमारा इमेज ख़राब करेगा। बिल्कुल। पर आजकल की पिक्चर आप उठा के देख लीजिए हीरोइन वैम्प लगती हैं। बिल्कुल। खैर, उस रोल में एक नयापन ये था कि वो अगर हम
थोड़ा सा वो बहुत बारीकी थी उस रोल में, गुमराह के रोल में, थोड़ा भी अगर उसका एक्सप्रेशन, उस लड़की का एक्सप्रेशन में या चलने में या देखने में या बोलने में या डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा भी अगर फर्क पड़ जाता तो वो कैरेक्टर बहुत ही गंदा लगता या वैम्प हो जाती। पर चोपड़ा साहब ने, क्योंकि वो चोपड़ा साहब ऐसे डायरेक्टरों में से हैं जो कि वाकई कैरेक्टराइजेशन को समझते हैं और किस तरह से उसको सलीके के साथ मतलब अच्छे तरीके से ले जाए, पेश करे, उनमें वो खासियत है। इसलिए वो रोल बल्कि अच्छा ही लगा, आंखों को खटका नहीं। जो आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा भी इधर उधर होता तो वैम्प या तो बुरा बनने का चांसेस थे, ज़्यादा चांसेस थे। आपने जैसा आपने कहा कि 100 से ऊपर आप फिल्में अब तक रिकॉर्ड कर चुकी हैं, बना चुकी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपकी फिल्म कौन सी रही है, अभिनय के तौर पर, कहानी के तौर पर, काम करने के तौर पर? एक तो आपने अभी जो कहा गुमराह, जी आई रियली एंजॉयड, मैंने बहुत आनंद पाया वो रोल करते वक्त। और दूसरा है जहांआरा, शायद वो पिक्चर आपने देखी है कि नहीं, हमारे टेलीविज़न देखने वालों ने वो पिक्चर देखी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर वो रोल करते हुए मुझे वाकई बहुत आनंद आया। और आजकल कितने अभिनेताओं के साथ अपने फिल्म से भी टॉप फिल्म देखिए, हमने दिलीप कुमार को छोड़कर हरे के साथ काम किया। तो उनको आप पसंद नहीं करती क्या? नहीं, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ, शायद उनको मेरे साथ काम करना पसंद ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं, पर ऐसा रोल नहीं आया अभी तक। हम दोनों, हाँ, शायद फ्यूचर में करें हम जाके। जी हाँ, हमने भी लाइन नहीं छोड़ा, उन्होंने भी लाइन नहीं छोड़ा, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल। आपकी आने वाली फिल्मों में कौन सी फिल्म है ज्यादा ज्यादा क्या अच्छी है, रोल अच्छी है रोल के मुताबिक, और कौन सी आने वाली है फिल्में? रोल के मुताबिक हमारे वो कर्मयोगी भी बहुत अच्छे हैं। कौन है? धन दौलत, उसमें राजकुमार जी हैं मेरे साथ। अच्छा। धन दौलत में राजेंद्र कुमार साहब हैं, और रघुनाथ झलानी की पिक्चर में जो कि नाम नहीं रखा उसमें संजीव कुमार हैं। और जिंदगी आएगी मेरी बहुत जल्दी यहाँ लगने वाली है, आप जरूर देखिए। मैं जरूर देखूंगी, आपने कह दिया तो जरूर देखूंगी। मला जी, आपकी हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं ये कर पाऊँ, क्या आप की कोई ख्वाहिश है उस तक पहुंच पाई हैं या पहुंचना चाहिए? किस लिहाज से? तमन्ना होती है कि एम होता है, मकसद। देखिए, मकसद देखते हो तो करियर वाइज ठीक है, एक होता है अपना पर्सनल लाइफ का जी, तो कौन सा आप मीन कर रहे? चलिए करियर वाइज पहले बताइए। करियर वाइज देखिए, कोई भी आर्टिस्ट सेटिस्फाइड नहीं होता, ऐसा लगता मेरे लिए और भी अच्छा रोल आने वाला है, और भी अच्छा रोल आने वाला है। तो अगर आप हमसे पूछती हैं कि आप सेटिस्फाइड हुई हैं, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ऐसा लगता मेरे लिए और भी अच्छा तगड़ा रोल चाहिए। तो माला जी, उम्मीद करें आपके लिए ऐसा कोई तगड़ा सा रोल आए, और फिर जब वो आ जाए आप हमें जरूर बता दें। जरूर बताऊंगी, ताकि हम यहाँ मैं बताऊंगी कि आप स्क्रीन में देख ही लेंगे। खास करके आपको मैं चिट्ठी लेके भेजूंगी, ये रोल, ये पिक्चर जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैंकूवर के लोगों के लिए जो आपने प्यार यहाँ दिखाया है, इसके लिए मैं सभी लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे स्टूडियोज में आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।